हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। और अभी बज रहे 7:30 शाम के और आज सुबह कुछ भी शूट नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ था कि मेरा जो रात का वीडियो था, मैंने रात को अपलोडिंग के लिए डाला था, वो वीडियो फेल हो गया था। तो इसी वजह से मैंने सुबह दोबारा से अपलोडिंग के लिए डाला वो वीडियो। अच्छा हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क ने प्रॉब्लम नहीं दिया, इसी वजह से वो जल्दी से अपलोड भी हो गया था। तो और उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा नींद वगैरह आ रही थी, तो रात भर नींद हुई नहीं थी मेरी पूरी, तो इस वजह से मैं थोड़ी देर सो गई थी। तो उसके बाद मेरा मन नहीं किया फिर व्लॉगिंग करने का, तो मैंने व्लॉगिंग नहीं की। अभी शाम से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, चाय वगैरह पी हमने, ढोकला जो है वो आंटी ने भेजा था श्रीकांत की मम्मी ने, तो इस वजह से मैंने उनको कॉल किया था एक्चुअली कि मुझे ढोकला खाने का मन कर रहा है, क्योंकि इतना ढोकला मुझे अच्छे से आता नहीं है। जो सूजी और बेसन का ढोकला बनाते हैं वो ढोकला मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है, मतलब आंटी जितना अच्छा नहीं आता है, फूलता नहीं है मेरा इतना ज़्यादा अच्छा। तो आंटी को मैंने कॉल करके बोला था कि मुझे ढोकला खाने का मन कर रहा है, तो वो उन्होंने फिर ढोकला भेजा था मेरे लिए और वो हम लोगों ने खाया है, सभी के लिए भेजा था, मतलब बहुत सारा ढोकला भेजा था, तो वो हम लोगों ने खाया है। अभी अभी लेने वाली हूँ मैं प्रोटीन, पहले प्रोटीन ले लेती हूँ, उसके बाद फिर जो काम है वो करती हूँ। ये ब्राउन ब्रेड लेके आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इतने दिनों के बाद ये वाले ब्राउन ब्रेड लेके आया है ये, और हल्दीराम के लेके आया है। वैसे ना पालेकर के लेके आते हैं हमेशा, तो आज हल्दीराम के लेके आया। मैं देख रही थी कि ये ऐसे कैसे ब्रेड लेके आया है, इतनी से मतलब पैकेट बहुत छोटा है, थोड़े से चौड़े हैं, तो ये हल्दीराम के हैं। मैंने सोचा ये लोकल ब्रांड से ही लेके, जब ये लेके आए थे ना, मैं ऐसे ही मैंने लिया इनसे पैकेट और थोड़ा सा वॉश करके फ्रिज में रख दिया था। तो मुझे लगा था कि ये ऐसे लोकल ब्रांड से लेके आए होंगे, क्योंकि अभी ब्राउन ब्रेड नहीं मिल रहे थे इतने दिनों से। मैंने इनको बोला था कि ब्राउन ब्रेड लाने के लिए, बट ब्राउन ब्रेड ही नहीं मिल रहे थे, तो आज लेके आए थे। मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था ब्राउन ब्रेड बटर खाने का, आज फाइनली वो मतलब पहले मैं खा लेती हूँ, क्योंकि शाम को ही लेके आए थे जब ड्यूटी से आए थे। उस टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का खाना उसी टाइम हो गया था। उसके बाद फिर चाय वगैरह ली, उसके बाद अभी ढोकला खाया, पेट तो वैसे भी फुल ही है, बट
हुई हूँ फ्री कामों से और आराम से बैठ के अब खाती हूँ ब्रेड बटर और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करती हूँ। तो चलिए पहले ब्रेड बटर बना लेती हूँ क्योंकि मुझसे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है यार, बहुत दिन हो गए कि नहीं खाया है तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। चलिए पहले ब्रेड बटर बनाती हूँ और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करती हूँ। खाओगे क्या ब्रेड बटर? खाना है। क्या बन रहा है आज? आज पता नहीं, अभी पापा को पूछना पड़ेगा। ठीक है बना देती हूँ थोड़ी देर। अद्विक मुझे तो पता है तुमने ये बनाया क्या? ब्रेड बटर बनाया मैंने, बनाया नहीं बना रही हूँ अभी। आप खाओगी क्या? आप खाओगी ने बोला। आप खाओगे क्या? आप खाओगे क्या? हाँ, खाऊंगा। खाओगे? बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। बहुत टेस्टी लगते हैं आपको? टीचर ठीक है। तू खाते ब्रेड जाओ कर देती हूँ, कोई नहीं देख रहा है। इंडिया का फेवरेट ऑफिस खुद आ रहा है आप। और अभी बनाने वाली हूँ डिनर। हाँ गिर गया था वो। डिनर बनाने वाली हूँ। डिनर में ना बनने वाला है आज मसाला बैगन और क्या बोलते हैं, यहाँ पर ट्राइपॉड गिर गया था मेरा। मसाला बैगन बनने वाला है और मैं बनाने वाली हूँ दाल। ये बोल रहे दाल बना दो और मसाला बैगन बना दो। चलिए फिर किचन में चलते हैं डिनर बनाने के लिए। And it's
गाइज यहाँ पर बन रहा है मसाला बैंगन। और मसाला बैंगन बनाने के लिए मैं सबसे पहले प्याज को काट लिया था, उसे मैं अच्छे से भून रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा प्याज भून चुका है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है थोड़ा सा तेल ऐड करके। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो सूखा नारियल होता है उसका जो क्रश किया है वो मैं भून ले रही हूँ। उसका क्रश करने के बाद वो जल्दी से भून जाता है, तो वो मैं भून ले रही हूँ। उसके बाद ये कुछ मसाले हैं वो भी मैं भून लूँगी। तेज़पत्ता है, लाल मिर्च है मतलब सूखी लाल मिर्च, और दालचीनी है, तो वो मैं भून लूँगी अच्छे से और उसको भी निकाल लूँगी। भूनने के बाद सारी चीज़ों को आपको एक साथ ग्राइंड करना है, और उसके बाद आपको उसका मसाला जो है वो भरवा मतलब बैंगन में भरना है। तो ये हो गया हमारा भरवा बैंगन, तो इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले को, और उसके बाद इसे निकाल के ठंडा होने देंगे और फिर इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये सारी चीज़ें भून चुकी थी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर ठंडा होने दिया था। फिर इसे मैं एक मिक्सी के पॉट में निकाल लूँगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी, और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो इसमें ही आप लहसुन की कलियाँ और अदरक के टुकड़े डाल सकते हो, और इसे अच्छे से पीस लेना है आपको। जो मसाला है वो बैंगन में भरा जाएगा, और मैंने बैंगन को ना 4 टुकड़ों में काट लिया है, मतलब एकदम से पूरा नहीं काटा है, थोड़ा सा नीचे से रख दिया था तो वैसा काटा है। और उसके बाद अभी ये जो मसाला है वो निकाल लूँगी, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करना है, और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, और उसमें ना वो भरना है मतलब बैंगन में भरना है वो वाला मसाला। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हो आप, मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था। इसको अच्छे से इस तरह से आपको इसमें भरना है सारी बैंगन में, ऐसे ही भर लूँगी पूरे। और उसके बाद इसे ना जो मसाला हमारा बच जाएगा उसे हमें तेल में फ्राई करना है, और उसके बाद उसकी जो ग्रेवी है वो बनानी है। तो मैंने तेल चढ़ा दिया है गैस पे और मतलब कढ़ाई में, बाद मैंने उसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी अच्छे से भून लूँगी मैं उसका कच्चा स्मेल जाने तक और उसके कच्चापन जाने तक मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद जो मसाला था हमारा बचा हुआ उसे भी अच्छे से भून लेना है आपको। सारा मसाला भून चुका था, इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया था ऊपर से, थोड़ा सा अपना अगर चाहिए हो तो नमक भी ऐड कर देना है आपको, और लाल मिर्च पाउडर अगर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो वो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। उसके बाद मैंने उसमें बैंगन डाल दिए थे जो भरे हुए बैंगन थे, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको ढक के रख दिया था। और यहाँ पर मेरी दाल रेडी थी, तो मैं दाल को तड़का लगा दूँगी। तड़के के लिए सिंपल सा तड़का लगाऊँगी, तड़के के लिए उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं जीरा राई और थोड़ी सी जो हरी मिर्च है वो डालूँगी और उसका तड़का लगाऊँगी। तो गाइस सब्जी तो बन चुकी है, और अब इसमें डालूंगी धनिया, ऊपर से धनिया, और डिनर कर लेते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइज आप में से किसी ने पूछा था कि इसको जो पैर है वो कैसे लगाया है, टायर वाले जो क्राफ्ट बनाया है
ये टेबल जो बनाए हैं टायर वाले, इसे पैर कैसे लगाए, तो इसे ना प्लाईवुड नीचे रखा है जैसे ऊपर रखा था वैसे प्लाईवुड लगाया है, और उसके बाद उसमें पैर लगाया है तो वैसे करके उसमें रखा है। और यहाँ पर ये ना मतलब जो टायर है वो बैठने के बाद दबे ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर ना प्लाई रखे हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके प्लाई के वो लगाए हैं अंदर। तो मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ किस तरह से लगाया है, तो मैंने डिटेल में इस बार आपको दिखा दिया पूरा, और आप इस तरह से लगा लेना जैसे यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से प्लाई अगर लगाओगे तो उस पर अगर आप बैठोगे बिना तो वो दबेगा नहीं, टायर दबेगा नहीं, तो इसीलिए इस तरह से लगाना है आपको। सो गाइज, सारे काम हो चुके हैं, डिनर हो चुका है, बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए है, मेरा जो किचन है वो भी क्लीन हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है। अब और अभी बज रहे हैं 11:30, डेली ही मुझे इतना टाइम हो रहा है। जैसे कि आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं डेली एक पर्सन का, लकी पर्सन का नाम लिया करूंगी अपने ब्लॉग में, और आप कमेंट किया करो, मतलब अपना नाम लिख के आप कमेंट किया करो कि मेरा नाम लीजिए करके, उसमें से मैं एक लकी पर्सन का नाम अपने ब्लॉग में लूंगी। आपका रिस्पॉन्स इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा मिला, तो मैंने सोचा चलो आज दो नाम ले लेती हूँ, मतलब दो नाम लिया करूंगी मैं डेली, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी नाम लेने के लिए, बट इतने सारे नाम तो मैं ले नहीं सकती हूँ, बट उसमें से दो नाम मैंने चूज किए हैं। तो उसमें से फर्स्ट लकी पर्सन का नाम है दीपाली मोटरकर, और सेकंड लकी पर्सन का नाम है प्रियंका गोसावी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, अगर आप भी चाहते हो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मतलब आप अपना नाम लिख के कमेंट कीजिए कि आपका नाम लेना है मुझे, और मैं उसमें से दो लकी पर्सन चूज करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूंगी। तो चलिए फिर, बहुत लेट हो गया है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।